देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। सामने आया है जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में जनपद में सभी स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन सहित सभी अधिकारी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा सभी जनपद वासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी गई, साथ ही सभी लोगों से सौहार्द एवं समरसता के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई। भारत न्यूज टीवी से वेद प्रकाश शर्मा, बांदा, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज अलविदा की नमाज हो रही है और लगातार हमारे सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं। सभी जगह धार्मिक स्थलों को पे फोर्स लगा दी गई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बिल्कुल अमन चैन के माहौल में अलविदा की नमाज़ पढ़ी जा रही है। कहीं भी किसी सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही और सभी लोग धर्मगुरुओं से संपर्क लगातार हम लोग बनाए हुए हैं। पूरी तरह से शांति और सौहार्द का माहौल है जिसमें कि ये नमाज़ पढ़ी जा रही है और आगामी जो ईद का त्यौहार आने वाला है उसमें भी बिल्कुल हम लोग सकुशल इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे और जो भी आदेश निर्देश हैं माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन के उसके अंतर्गत ही हम लोग त्यौहारों को सुनिश्चित करेंगे।